हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। सो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है हमारे आज के कंप्लीट सेक्शन, जिसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NTA UGC NET का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम पेपर वन एंड पेपर टू सिर्फ 90 डेज में आपको कवर कराएंगे, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से हम कंप्लीट कोर्स एंड इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो पेपर टू कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एट जस्ट ₹5000 एंड अगर आप लोग सिर्फ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको पे करना होगा ₹1000। तो इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो मशीन, अब मशीन की बात अगर हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम जो लैंग्वेज समझता है उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। तो इसको हम लोग सिंपली मशीन कोड भी बोलते हैं एंड इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मशीन कोड क्या होते हैं, ये एक एलिमेंटल लैंग्वेज होती है हर एक कंप्यूटर सिस्टम की। अब जैसे हम लोग 84 लिखते हैं, ठीक है, तो हम तो 84 समझ रहे हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को ही समझते हैं, ठीक है। तो 84 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जो भी होगा, यहाँ पे मैं रैंडम नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है, 84 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जो भी होगा उसको कंप्यूटर समझ सकता है, जिसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेजेस की हेल्प से बाइनरी कोड्स को या फिर बिट्स को एक कंप्यूटर क्या करता है, रीड करता है और उसको इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इट इज़ रीड बाय कंप्यूटर CPU। जो भी लैंग्वेजेस होती है, जो भी कोड होता है वो CPU रीड करता है, ठीक है। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल बाइनरी नंबर्स जो होते हैं सेव किए जाते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स बहुत लॉन्ग 0 और 1 का सीक्वेंस होता है, जिसको कि ह्यूमन इजीली समझ भी नहीं पाते हैं एंड इसको इजीली पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम लोग मशीन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में हम लोगों ने कोड लिखा, वो कोड हम तो समझ रहे हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको नहीं समझ पाता, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। इसी से क्या होता है, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, हमारा सिस्टम इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड इस कोड को समझ सकता है कि हमने एग्जैक्टली लिखा क्या है, ठीक है। एंड जो हर एक CPU होता है ना, हर एक CPU के पास अपनी स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड इसमें जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, वो रीड करता है और हैंडल करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। एंड ये CPU को बताते हैं कि एक सिंपल से सिंपल टास्क को या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टास्क को किस तरह से परफॉर्म किया जाए, ठीक है। सो द एग्जैक्ट मशीन लैंग्वेज फॉर अ प्रोग्राम और एक्शन कैन डिफर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो उस लैंग्वेज को समझते हैं एंड उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, ठीक है। एंड इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में अपना एक मल्टी प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंड यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाइनरी कोड को यूज़ करता है, ठीक है, एंड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स को भी यूज़ करता है। सो एक बात और, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बाइनरी लैंग्वेज होती है बेस 2 लैंग्वेजेस एंड हेक्साडेसिमल लैंग्वेजेस होती है बेस 16 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, आगे इस तरह से लिखा होगा कि ये जो है बाइनरी और हेक्साडेसिमल कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तो वो करती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो
इसमें तो सिर्फ बाइनरी और हेक्साडेसिमल होती है जो कि ह्यूमन नहीं समझ पाते या कंप्यूटर नहीं समझ पाता, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इसमें जो भी कोड होते हैं वो ह्यूमन इजीली समझ सके, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको इजीली रीड कर सके, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो असेंबली लैंग्वेजेस के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें प्रोग्राम इंटरफेस किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ये सब चीज़ें असेंबली लैंग्वेज हैंडल करती है, ठीक है। एंड किस तरह से डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें भी असेंबली लैंग्वेज ही हैंडल करती है। नेक्स्ट आता है हाउ द प्रोसेसर एक्सेसेस एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। अब हर एक कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, ठीक है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे हमारा प्रोसेसर जो है वो एक्सेस करेगा, यानी कि यूज़ करेगा, एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये सब चीज़ें इसकी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। एंड जो भी प्रोग्राम होते हैं कैसे कैसे उन प्रोग्राम्स को एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए मेनली असेंबली लैंग्वेजेस को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक आता है असेंबलर, ठीक है। सो असेंबलर क्या होता है, ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यूजीसी नेट पेपर 1, आईसीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि असेंबलर क्या होता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम इजीली समझ सके। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, ठीक है। सो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जैसे होती है ना कि एक पूरे प्रोसेसर में, एक रजिस्टर में छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो वैसे ही माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये मतलब जो हमारे बाइनरी वैल्यूज होती हैं उनको कंट्रोल करने के काम आते हैं, एंड ये कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। अ कंट्रोल यूनिट हुज बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज आर सेव्ड एज वर्ड्स इन मेमोरी इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एंड कंट्रोलर रिजल्ट्स इन द इंस्ट्रक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डेफिनेट कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स एट ईच सिस्टम क्लॉक बिट, ठीक है। तो ये बेसिक से डेफिनेशंस है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। एंड इसमें जितने भी आउटपुट सिग्नल्स होते हैं उनको जनरेट किया जाता है बाय वन माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें कि रजिस्टर ट्रांसफर भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर जिसको कि सिंपली हम लोग सीक्वेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंसर के बाद यहाँ पे दूसरी फील्ड आती है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल मेमोरी दैट इज ROM, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक जो आता है वो आता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक कंप्लीट यूनिट होती है, ठीक है। मैंने बताया माइक्रो प्रोग्राम, यानी कि एक कंप्लीट प्रोग्राम को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट यूनिट है, एंड इसमें जो डेटा है वो कहाँ से आता है, वो आता है एक्सटर्नल इनपुट के थ्रू, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। बार बार आप लोग देख रहे होंगे हम वर्ड्स इन द मेमोरी एंड कंट्रोल वर्ड्स इन द मेमोरी टर्म यूज कर रहे हैं। तो इन सभी की जो प्रोसेसिंग होती है वो कंट्रोल वर्ड्स के थ्रू यूज की जाती है, ठीक है। एंड इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे, जो कि एक्सटर्नल इनपुट की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये है इसका एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम। तो इसके अलावा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो होती है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि इट कैन मोर सिस्टमैटिक डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट होती है हमारे सीपीयू में उसका एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा होता है कि बहुत सिंपल होता है चेंज करने में, या डीबगिंग अगर हमें इसकी लेटर ऑन करनी होगी तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है इसमें, ठीक है। इसमें जितने भी कंट्रोल फंक्शंस होते हैं उसको हम बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं,
Next is, it is very flexible to use and it is used to complex function is carried out easily. ठीक है, जितने भी complex functions हैं हमारे computer system में या programs में, ठीक है, उनको ये बहुत easily जो है solve कर सकता है, resolve कर सकता है. एंड इसके कुछ disadvantages भी हैं, that include adaptability is obtained at most cost. यानी कि इसकी cost जो है वो बहुत ज़्यादा higher होती है अगर इसको हमें adapt करना है. तो यहाँ पे adapt करने का मतलब है कि अगर एक operating system से हम उसको दूसरे operating system में move करना चाहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अगर एक environment से इसको दूसरे environment में हम लोग change करना चाहते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज़ स्लोअर देन अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट. सो हमारे पास दो टाइप के कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जो अभी डिस्कस करेंगे, हार्ड वायर्ड एंड सॉफ्ट वायर्ड, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल मेमोरी. सो कंट्रोल मेमोरी क्या है? ये कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू में एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है. एंड हर एक कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके पास दो टाइप की मेमोरीज जनरली यूज़ की जाती हैं, ठीक है. एंड कंट्रोल मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी, ये दोनों चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो मेन आप लोगों ने बस यही याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल है एंड जो कंट्रोल मेमोरी है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है. एंड जो मेन फंक्शन होता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का, ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वो इंक्रीमेंट करता है कंट्रोल रजिस्टर्स को बाय वन. जहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे? वन को ऐड कर देंगे, ठीक है. सो ये कंट्रोल मेमोरी जो है ये हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल का ही एक सब पार्ट होता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट के दो टाइप्स, ठीक है. सो इसके कौन कौन से दो टाइप्स हैं? पहला है हार्ड वायर्ड एंड दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, ठीक है. सो हार्ड वायर्ड कंट्रोल में क्या करते हैं? इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कंट्रोल लॉजिक को टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय गेट्स. तो हम लोगों ने एंड गेट, और गेट, ये सब चीज़ें पढ़ी थी. तो गेट्स के थ्रू हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा हम कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ डिकोडर्स और जो बाकी के डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है. एंड इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है. जैसे कि पहली आती है IR. सो IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डिकोडर्स के साथ. सो डिकोडर्स यहाँ पे किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 3x8 डिकोडर, ठीक है. सो डिकोडर्स जो है डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होंगे? कंट्रोल लॉजिक गेट्स से. ये जो हमने गेट्स की बात की वो डायरेक्टली गेट्स के साथ कनेक्टेड होंगे एंड यहाँ से क्या रिलीज करेंगे? वो कंट्रोल आउटपुट्स को रिलीज करेंगे, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारे पास डिकोडर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि 3x8 का भी हो सकता है या फिर 4x16 का डिकोडर भी हो सकता है, जो कि इस तरह से यहाँ पे डेटा को फ्लो करते हैं, ठीक है. तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल जो होते हैं इसमें दो डिकोडर्स होते हैं, ठीक है. एक सीक्वेंस कंट्रोल होता है एंड क्या होता है? नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है. एंड इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको फेच किया जाता है फ्रॉम मेमोरी यूनिट दैट इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. एंड दूसरा टाइप आता है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल. सो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग प्रोग्रामिंग अप्रोच. सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो उसकी अप्रोच के थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल में जो हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एंड इसके भी कुछ ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है. तो सबसे पहले आता है इसमें एक्सटर्नल इनपुट. एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है. एक्सटर्नल इनपुट के बाद इसमें ऐड किया जाता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, ठीक है. नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को हम लोग सीक्वेंसर भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ऐड किया जाता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर. नेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है रोम, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है. रोम मीन्स कंट्रोल मेमोरी. नेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स.
कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करता है, कंट्रोल वर्ड यहाँ से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। एंड इसी तरह से ये इसके एक्सटर्नल इनपुट की तरह काम करता है, ठीक है। एंड ये जो फ्लो है, इस वायर के थ्रू जो फ्लो हम बताना चाहते हैं, ये फ्लो बताता है नेक्स्ट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से फ्लो करेगा एंड एज एन एक्सटर्नल इनपुट्स को यहाँ से वो एंटर कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो कंट्रोल मेमोरी है, यानी कि जो रोम वाला सेक्शन होता है, तो ये एड्रेस क्या करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं एड्रेस ऑफ एनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड कंट्रोल मेमोरी इज अज्यूम टू बी रोम विद इन विच ऑल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे परमानेंटली स्टोर की जाती हैं, ठीक है। एंड जो कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स होल्ड करते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को, जिनको कि मेमोरी के थ्रू हम लोगों ने फेच किया होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम आपको याद रखना है, हर एक ब्लॉक किस तरह से किस सीक्वेंसिंग में ऐड किया गया है ये याद रखना है, तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।